कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई है। बड़ी खबर आ रही है कि कोकरनाक इलाके में शांगस से आतंकवादियों ने टेरिटोरियल आर्मी के जिस जवान को अपहरण जिसका कर लिया था, उसे अगवा कर लिया था, उसका शव बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि टेरिटोरियल आर्मी का एक अन्य जवान भी अपहरण के बाद भागने में सफल रहा था, लेकिन जिस जवान का अपहरण किया गया था उसे सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान के बाद उसके शव को बरामद कर लिया गया है। अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सेना के इस जवान का शव जो है वो गोलियों से छलनी मिला है और उस पर चाकुओं से भी हमला किया गया है। संयुक्त टीम ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया था और सैनिक के बारे में किसी भी सुराग के लिए आसपास के इलाकों में लगातार तलाशी की जा रही थी। आपको बता दें कि साल 2020 में भी आतंकियों ने ऐसी ही कायराना हरकत को अंजाम दिया था। इस घटना के 5 दिन बाद परिवार को घर के पास ही शाकिर के कपड़े मिले थे। ये घटना 2 अगस्त की थी और तब 24 साल के शाकिर वागे दक्षिण कश्मीर के शोपियां के हरमैन में अपने घर के पास से ही लापता हो गए थे। आतंकियों ने उनका अपहरण कर लिया था। शाकिर बकरीद पर अपने घर गए थे। अपहरण करने के साथ ही आतंकियों ने जवान की गाड़ी को भी फूंक दिया था। शाकिर 162 TMA दक्षिणी कश्मीर के बालापुर में तैनात थे और काफी तलाश के बाद भी उनका पता नहीं चल सका था। एक साल बाद सितंबर में शाकिर का शव मिला था और शाकिर वागे का शव कश्मीर के कुलगाम जिले में मिला था। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने शाकिर के परिवार से संपर्क किया। इस दौरान उनके पिता मंजूर अहमद वागे ने कहा कि शव की पहचान करने पर पता चला है कि उनका बेटा शाकिर ही है जो एक साल पहले लापता हो गया था। शाकिर के पिता मंजूर अहमद ने कहा था, मेरा बेटा एक सैनिक था, मैं दहशतगर्दों से कहना चाहता हूँ कि उसका शव हमें दे दे। अपहरण के दिन शाकिर बारापोरा कैंप में तैनात था। ऑफिशियल मेल के बाद उसे कैंप छोड़ने की इजाजत मिली थी। घर के लिए वो अपनी कार से निकला था। परिवार को फोन किया था और कहा था कि उसे आने में 1 घंटे का वक्त लगेगा। साल 2020 में आतंकियों ने कश्मीर में टेरिटोरियल आर्मी के जवान को अपहरण किया था, जिसकी कहानी आपको हमने बताई। 2 अगस्त की ये घटना थी। ठीक उसी तरीके से एक साल के बाद एक और घटना सामने आई है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भी हमले की बात सामने आई है और एक संदिग्ध एक्टिविटी भी देखा गया है। इसके बाद जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी मिले थे कुपवाड़ा में। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भी हमले की बात सामने आई है और एक संदिग्ध एक्टिविटी भी देखा गया है। इसके बाद जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी मिले थे कुपवाड़ा में।